ना मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3, इजी है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चेंज है। द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दी हुई है, यानी पॉलीनोमियल दी हुई है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax की पावर 3, ax की पावर 3 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस bx प्लस bx जी bx और प्लस का 3a, ये गिवन पॉलीनोमियल है। द एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई की वो बात कर रहा है, और वो बात किसकी कर रहा है, एंड एक्स की एक्स का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 is exactly divisible by x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, then find the values of a and b। अब हमें कैसे पता चलेगा ये 5.3 है, क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है, जाहिर बात है एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहा है, तो जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल की बात करेगा इसका मतलब होगा मेरे पास फैक्टर्स होने चाहिए, हैं फैक्टर्स ना, मैंने मेंशन किया ना बुक ने है ना बुक में है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहा है, मेरे पास फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टर्स को इस गिवन पॉलीनोमियल में पुट करना है, तो फैक्टर्स तो है ही नहीं, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें से फैक्टर्स निकाल के यहाँ पे वन बाय वन पुट करने हैं। याद रखिएगा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, ये तो एक्सप्रेशन है, ये वैसी की वैसी, इसको उसने कहा कि इस एग्जैक्टली ये जो एक्सप्रेशन है इस एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, तो इसी को ही हमने सॉल्व करना है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6, हम कैसे इसको करेंगे, यानी हमें फैक्टर्स की जरूरत है ना, एक्स का आंसर मुझे चाहिए जो यहाँ पे मैंने पुट करना है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या सीखा है 5.1 में, कि फर्स्ट अगर एक्स का स्क्वायर हो, सेकंड पे एक्स हो, और थर्ड पे एक्स हो ही ना, यानी एक्स की पावर यहाँ पे जीरो है वो हम नहीं लिखते, तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको सॉल्व करने के भी टू मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी प्लस है, लेकिन ये कंप्लीटली स्क्वायर नहीं बनता, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर हूं तो 6 है, कोई भी नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू क्या होगा, माइनस 5x को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3x और माइनस का 2x, बिकॉज माइनस का 3x और माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 5x होता है फर्स्ट पे। सेकंड पे क्या हमने किया, हमने ऐसे दो नंबर तलाश करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 है, 3 टू 6 हो गया, प्लस का चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, और इन्हीं को प्लस माइनस करें तो माइनस का 5x है, तो माइनस का 3x और माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 5x ही होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार बता चुका हूं हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 6x का स्क्वायर आता है, तो ऐसे टू सेट्स पेयर हमने तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर है, और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो माइनस का 5x है, तो ये है वो टू नंबर्स। लेकिन अगर आपको वो ये बात समझ नहीं आ रही तो हम माइनस 5x ओपन कर लेते हैं, माइनस का 3x और माइनस का 2x। तो हमने 5.1 में सेकंड पार्ट में सीखा हुआ है कि जब टू फोर कंडीशंस हो तो फर्स्ट टू को और लास्ट टू को सॉल्व किया जाता है, तो फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है x, अंदर बचेगा x माइनस 3, लास्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 2, अंदर बचेगा x माइनस 3, बिकॉज 2 3 6 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी x माइनस 3, ये भी x माइनस 3, ये मैंने बाहर ले लिया कॉमन, ये बाहर आ गया, इसकी जगह पे x रह जाएगा, ये माइनस का 2 वैसे का वैसे, और ये बाहर आ चुका है, तो ये देखिए टू फैक्टर्स मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है 9 में, द एक्सप्रेशन ए एक्स 3 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हम इसको जी लास्ट में जो कंडीशन दी हुई है ये वाली, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास 0, तो ये देखिए मैंने इसको क्या कर लिया 0 कर लिया, एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहे हैं या फैक्टर की बात करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है 0 ही होता है, तो हमने इसको लेट कर लिया 0 के। अब x माइनस 3 का फैक्टर, यानी x माइनस 3 जब टू कंडीशन 0 के इक्वल हो तो फर्स्ट भी 0 के इक्वल हो जाती है और सेकंड भी 0 के इक्वल हो जाती है, तो माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 2 वहां पे जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो इस तरह हमने ये टू फैक्टर्स x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 फाइंड किए हैं, जो हम वन बाई वन पुट करेंगे फर्स्ट कंडीशन में। नाउ पुट x is equal to 3 in condition number 1,
वन में जहां जहां पे x है स्टूडेंट वहां पे अगर पुट करो थ्री को, ए x थ्री है तो थ्री की पावर थ्री माइनस नाइन एक्स की जगह पे थ्री पुट कर लेंगे स्क्वायर प्लस का b ये x और प्लस का थ्री ए वैसे का वैसे। नाउ सिंपलीफाई p ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री की पावर थ्री 27 होता है जी 27 a हो गया और माइनस का थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन, नाइन मल्टीप्लाई नाइन इज इक्वल टू 81 थ्री बी वैसे का वैसे और प्लस का थ्री ए बी वैसे का वैसे। अब देखो इसको मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ क्योंकि पी ऑफ थ्री इज इक्वल 27 ने और प्लस का थ्री ए 38 और प्लस का थ्री बी लिखा और माइनस का 81 बाद में ये वैसे का वैसे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी उसने यही बात कही है एग्जैक्टली डिविजिबल है क्योंकि उसने खुद ही स्टार्ट पे कह दिया था एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है तो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और 30a प्लस का 3b माइनस का 81 हम इसको लिख सकते हैं जी 30a प्लस का 3b माइनस का 81 इज इक्वल टू जीरो। अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो 3 कॉमन आ सकते हैं अंदर बचेगा 10a प्लस का 3b आ जाएगा और माइनस का 27 एंड इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 खत्म हो जाएगा वहां पे 0 हो जाएगा 10a प्लस का b माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास कंडीशन नंबर a बन चुकी है। अब हम क्या पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन कंडीशन नंबर 1। अब x में हम पुट कर रहे हैं 2 को a x आ चुका है 2 की पावर 3 माइनस x आ चुका है 2 पुट कर लिया स्क्वायर प्लस b फिर x है तो 2 पुट कर लिया और प्लस का 3a। नाउ इसमें भी हम यहां पे साथ ही कर लेते हैं रिमाइंडर उसने एग्जैक्टली डिविजिबल का है तो रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा 2 की पावर 3 8 होता है माइनस 2 की पावर 2 4 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36 2 मल्टीप्लाई b वैसे का वैसे और ये 3b। अब ये देखें ये 8a है ये 3a तो 11a हो गया और प्लस का 2b पहले लिख लिया माइनस का 36 बाद में लिख लिया इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो ये मैंने कंडीशन ले ली b। अब a मेरे पास है 10a प्लस का b माइनस का 27 इज इक्वल टू 0 बी कंडीशन ओके ठीक है ये है ए और बी मेरे पास है 11a प्लस का 2b और माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास ए और बी की कंडीशन जो सामने आनी है ठीक है। अब ए भी मेरे पास क्या है जी अगर मैं देखें इनके ये भी मेरे पास सिमिल्टेनियस इक्वेशन बन चुकी है अगर तो मैं ए को यानी फर्स्ट कंडीशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे तो इस तरह मैं इसको कट इजिली कर सकता हूं। तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नाउ 2 इंटू 10a हो जाएगा ये प्लस का बी माइनस का 27 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करना है तो 2 10 हो जाएगा 20a प्लस का 2 मल्टीप्लाई बी 2b और माइनस का 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन मेरे पास क्या बन चुकी है सी बन चुकी है। तो हम इसको यहां पे कंप्लीट कर देते हैं स्टार्ट से ही ओके। तो मेरे पास सी कंडीशन है 20a प्लस का 2b माइनस का 24 यानी 20a प्लस का 2b माइनस का 54 इज इक्वल टू 0 और बी जो कंडीशन क्योंकि ए को तो हमने सॉल्व कर लिया 11a प्लस का 2b और माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये भी 2b बन चुके हैं ये भी 2b बन चुके हैं तो हम क्या करें सी में से माइनस करें बी को जब माइनस करेंगे तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज ये आपस में कट 20a माइनस का 11 है तो प्लस का 9a और हम यहां से माइनस का 54 और प्लस का 36 करेंगे तो वो माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 ये आंसर देगा यानी 54 में से 36 करेंगे माइनस तो आंसर वो दे देगा मेरे पास जी 18 माइनस का क्योंकि 54 माइनस का तो यहां पे माइनस का ही आंसर देगा हमें एक आंसर चाहिए तो माइनस 18 उधर जाके प्लस 18 हो जाएगा 9 पे बोथ साइड डिवाइड कर लें ये इससे कट नाउ दिस सिंबलाइज दैट ए इज इक्वल टू 2 जो मेरे पास बिल्कुल इजी कंडीशन की तरह सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे बी का आंसर चाहिए नाउ पुट ए इज इक्वल टू 2 इन कंडीशन नंबर ए में पुट कर लें बी में पुट कर लें या सी में पुट कर लें तो हम देख लेते हैं इजी कंडीशन मेरे पास कौन सी है वो ए ही है तो हम ए में पुट कर लेते हैं इन ए ए मेरे पास है 10a मेरे पास 2 है
प्लस का बी वैसे का वैसे और माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, सो 10 टू 20 हो गया प्लस का बी माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको क्या करें, ये ए कंडीशन थी मेरे पास, 10 ए मेरे पास है 2 प्लस का बी और माइनस का 27 वैसे का वैसे, ओके। अब हम हमें बी का आंसर चाहिए, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे तो 20 माइनस 7 तो माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस का बी इज इक्वल टू 0, नाउ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस का 7 तो जाके हो जाएगा प्लस का 7। तो ये मेरे पास कंडीशन नंबर जो 9 थी सॉल्व हो चुकी है, जो बिल्कुल इजी कंडीशन की तरह मेरे पास था। तो ये गालबन आपको समझ आ चुका होगा क्वेश्चन, तो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से कीजिएगा। तो इस तरह हमने आज 5.3 है उसको कंप्लीट कर लिया है।